ब्लेंडर वॉश करके ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं बाद में, बाकी सारे बाद में। अप्लाई करेंगे टोनर, क्लोज योर आईज। टोनर को ज्यादा अच्छे से अप्लाई करेंगे बिकॉज अभी आपका मेकअप जब आप यूज करते हैं वो मेकअप कुछ देर बाद डिहाइड्रेट हो जाती है, तो जितना अच्छा स्किन में हाइड्रेशन होगा मेकअप उतना ज्यादा अच्छे समय तक लास्ट करता है और वो डिहाइड्रेट नहीं होगा, पैची नहीं होगा स्किन। तो सिटी डीएमपी में टोनर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपकी हाइड्रेशन को लेकर, तो वेल हाइड्रेट रखें अपनी स्किन को। देन इसके बाद हम यूज करेंगे प्रिस्टीन ड्राई ऑयल, क्योंकि मैम के फेस पे रिंकल्स है तो मैं यहाँ पे मॉइस्चर के लिए सबसे पहले दूंगी प्रिस्टीन ड्राई ऑयल। एंड देन ऑयल को आपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, बहुत ओवर मसाज नहीं करना है। टी जोन अवॉइड करेंगे, नोज एरिया, प्रिस्टीन ड्राई ऑयल नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। अब जैसे विंटर स्टार्ट होने वाले हैं, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, स्किन में क्रैक स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप प्रिस्टीन ड्राई ऑयल मेकअप में ऐड करके अपने मेकअप को फ्लॉलेस बना सकते हैं। देन इसके बाद हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर और उसमें हम ऐड करेंगे इल्यूमिनेटिंग लोशन। बोलो देखो, ज़्यादा ऐड करें क्योंकि फेस्टिवल लुक में हमें चाहिए एक ग्लो, और ज़्यादातर हमारा जो अटायर होता है उसमें थोड़ा बहुत शाइन ग्लिटर्स होते हैं, तो आपका स्किन भी उतना ही ग्लोइंग होना चाहिए। इसके लिए आप इल्यूमिनेटिंग लोशन को अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके जितना एरिया आपका ओपन है वहां तक आपको अपनी स्किन केयर भी कंप्लीट करनी है। Then primer, we are done with CTTMP part. नीचे करो, नीचे आ रहे करो, साइड में तो लास्ट में आ रहे हो ना? गाँव में रहूँ। So first हम use करेंगे makeup step में pro selfie primer. So आपने pea size amount में product लेना है और अच्छे से अपने पूरे face पर and neck area पे primer apply करना है। ना प्राइमर का बेनिफिट क्या है, सबसे पहले प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो जिन्हें भी चाहिए कि बस सुबह लगाया मेकअप और शाम तक आपके फेस में मेकअप एज इट इज रहे, इसके लिए प्राइमर बहुत जरूरी है। और ये ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है तो आप मेल स्किन फीमेल स्किन सबको रिकमेंड कर सकते हैं। प्राइमर यू कैन यूज अराउंड द आई एरिया, लिप एरिया एंड स्पेशली जहाँ पे आपके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन है वहाँ पे आप अच्छे से प्राइमर अप्लाई करो, क्योंकि हमारे स्किन का जो मेकअप होता है मेकअप सारा पोर्स पे लाइंस और रिंकल्स पे आके फिल हो जाता है। अगर प्राइमर अच्छे से यूज नहीं करेंगे स्किन पैची हो जाती है। और सबसे अच्छी बात कि मेकअप ब्लेंडिंग में भी प्राइमर बहुत हेल्प करता है। अगर आपका कंसीलर भी क्रीमी है, आपका कंसीलर स्टिक क्रीमी है, तो इसके लिए आपको ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है। बेसिकली बेस लगाने के लिए वी आर यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर। तो ये मोदी के ब्यूटी ब्लेंडर जिसको आपने अच्छे से पहले पानी में वॉश करके इसको क्लीन करना है, और ये साइज काफी सॉफ्ट हो जाता है ब्लेंडर ना। आप यहाँ पे सबसे पहले करेंगे स्किन की करेक्शंस, तो मैम के पूरे फेस पे जो फ्लॉज नजर आ रहे हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे है फ्लॉज, आईज पे, तो डार्क सर्कल अराउंड द आई एरिया। इसके लिए हम यहाँ पे यूज करें कंसीलर पहले, क्योंकि जिनके फेस पे इस तरह से लाइन्स रिंकल्स और काफी ज्यादा स्किन में फ्लॉज होते हैं आपको हायर कवरेज की जरूरत होती है, सो दिस कंसीलर पहले विल गिव यू मीडियम टू हाई कवरेज। कुछ स्किन पे एक ही शेड भी काम कर जाता है पर कुछ स्किन को मल्टीपल शेड्स के साथ करेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे करेक्शन के लिए हम सबसे ज्यादा क्या यूज करेंगे, सबसे पहले ऑरेंज कलर करेक्टर हटा दूंगा। सो इनका जो करेक्ट आई एरिया है बिल्कुल ग्रेइश हो चुका है, तो ग्रे आईज पे अगर मैं डायरेक्ट कंसीलर या फाउंडेशन कलर दूंगी थोड़ी देर बाद ये पूरा एरिया जो है वो डार्क हो जाएगा, इसीलिए हम इसे करेक्ट करने के लिए पहले ऑरेंज शेड से इसको अच्छे से करेक्ट करेंगे।
बहुत ज्यादा ऑरेंजिश नहीं करना है, हल्का हल्का शेड लेकर फिंगर से और ब्लेंडर से यू कैन ब्लेंड इट। और इसकी जो फिनिश है इस कंसीलर पैले की, ये सैटिन मैट फिनिश में है, सो किसी भी स्किन टाइप को आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, ऑयली ड्राई हर स्किन पे आप इसे यूज कर सकते हैं। अब और करेक्शन कहाँ चाहिए, लिप एरिया पर। सो मैंने जितना भी अनइवन था एरिया उसको अच्छे से कंसील कर दिया है। अगर आपका बर्थ मार्क है, आपकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है फेस पे, डार्क सर्कल्स हैं आपके फेस पे, जगह जगह पे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ऑरेंज शेड लेकर इसे करेक्ट करना है। ऑरेंज ही क्यों लेना है, जितने भी ब्राउन और ब्लैक पिगमेंटेशन होते हैं, जो स्पॉट्स होते हैं, उसको करेक्ट करता है ऑरेंज। और वही अगर आपके लेट्स से हल्की हल्की वेन्स नजर आ रही है, होती नहीं कुछ लोगों के चेहरे पर नसें भी दिखती है, तो नसों में हम क्या यूज करेंगे, पिंक शेड यूज करेंगे। सो वी अदर पैले ऑल्सो जिसमें आप पिंक यूज करके उन नसों को करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पिंपल्स का रेड स्पॉट बन रहा है तो वहां पे आप हल्का सा येलो दे सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स आते हैं डिफरेंट स्किन कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे कंसीलर। तो मैम की स्किन पे अगर मैं कंसीलर चेक करूं, दिस इज वेरी डार्क फॉर हर, ये कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रही हूँ C3.2। C3.2 मैम की स्किन के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है, और वी कैन मिक्स टू शेड्स। सो लेट्स अप्लाई सिंगल शेड फर्स्ट। मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोड नंबर C3.2। एक ही सिंगल कलर मैम की स्किन के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है। बेसिक दे रही हूँ क्योंकि डे में हम है, अगर ये मेकअप नाइट में होता तो इसकी कवरेज और ज्यादा आप डीप कर सकते हो, इंटेंस कर सकते हो। नेक पे भी हमें सिंगल कलर ही लेना है क्योंकि इनके पूरे फेस पे ज्यादा फ्लॉस नहीं है, सिर्फ आई एरिया पे ज्यादा फ्लॉस है जिन्हें हमने कवर कर दिया अच्छे से। नाउ इस पे आई एरिया के लिए मैं यूज करूंगी नंबर 3 कंसीलर स्टिक स्पाइस। कंटूरिंग के लिए यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैम की पहले ही कंटूरिंग कहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये हमारी 3 fingers, ये जो चीक बोन होता है ये आपका हाइलाइटर है, दिस इज योर ब्लशर, और उसके नीचे ये आपकी कंटूरिंग है। तो कंटूरिंग के लिए आपने शेड लेना है, ताकि अच्छे से हम इसे ब्लेंड करें।
क्रीम मेकअप को यूज करना काफी इजी होता है, इससे ब्लेंडिंग काफी इजी रहती है। जिन्हें मेकअप नहीं भी आता है, ब्लेंडिंग में चैलेंज आता है, वो भी क्रीम मेकअप को परफेक्टली यूज कर सकते हैं, बिगिनर्स भी। और इसे अपवर्ड स्ट्रोक्स में ब्लेंड करेंगे। हल्का सा जॉ लाइन पर नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे जॉ लाइन के लिए। तो वो लाइन ही दिखनी चाहिए आपके फेस पे, उसको अच्छे से ब्लेंड करें। सो वी आर डन विद कॉन्टोरिंग। नाउ अब इसके बाद हम यूज करेंगे पाउडर। हाइलाइटर के लिए पाउडर हाइलाइटर यूज करेंगे। ज्यादा पाउडर नहीं ले रही क्योंकि अगर ज्यादा पाउडर ऐड करेंगे तो रिंकल्स ज्यादा पता चलेगा, इसलिए आपने पाउडर थोड़ा सा कम ही रखना है, ब्रश की हेल्प से यूज करें। अगर आपको यही ऑयली स्किन होगी तो आप पाउडर की जगह पफ से यूज करके अपने पाउडर की पैटिंग करके अपना ऑयल एंड स्वेट कंट्रोल करें। सो पाउडर क्या करता है, आपके मेकअप को लॉक कर देता है। ये कॉन्टोर क्योंकि मुझे इनकी लिड को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है तो मैं टिप पे ले रही हूँ प्रोडक्ट। ब्लेंड करके लिड को बड़ा कर देना। सो ये आपका ब्लेंडिंग ब्रश, मोदी केयर में ब्रशेस लॉन्च हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला ट्रैवल की वजह से। सेम जो आप इस ब्रश में देख रहे हैं ये फ्लफी ब्रश, ये हाइलाइटिंग ब्रश में भी यूज कर सकते हैं और स्मॉलर एरियाज में क्रीज क्रिएट करने के लिए वी कैन यूज। तो मोदी केयर में भी ब्रशेस 5 सेट ऑफ ब्रशेस लॉन्च हो चुके हैं जो बेसिक मेकअप में रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि अगर आपको अपनी आईलिड को बड़ा करना है तो आप ब्राउन शेड से एक हल्की सी क्रीज ऐड करें और आप सामने से डिफरेंस देखो लिड में, ये स्पेस क्या हो गया, बड़ा कर दिया हमने। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉन्टोर पाउडर ही ऐड किया है और इसको बिल्कुल टिप ऑफ दी ब्रश लेकर ब्लेंड कर। जैसे मैम ने जो ड्रेस वेयर किया इस अटायर के साथ आपको क्या लगता है कौन सा आई शेडो जाएगा? ब्राउन। किस किस को लगता है ब्राउन? एनी गेसेस? और थोड़ा सा मैं हाइलाइटर दे रही हूँ मिड लिड में। देखो क्योंकि मैम ने ऑलरेडी गोल्ड पहना है तो गोल्ड का मतलब ये नहीं, यही गलती हम करते हैं कि हम गोल्ड ही दे देते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप अपने लुक को कंप्लीट दे और उसे कॉम्प्लीमेंट करें ड्रेस के साथ, ऑरेंज बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वी कैन यूज ब्राइट, हमारा जो स्पार्कल शेड है वो यूज कर सकते हैं और वी हैव द बेस्ट कलर, ये देना मुझे। तो मैं थोड़ा सा स्मोकी की साइड जाऊंगी क्योंकि मैम ने जो पहना है येलो, ये थोड़ा सा पेल येलो है, इसमें मुझे अपनी आईज को और ब्राइटन अप करना है। तो वी हैव दिस पिकॉक शेड। आपने कभी नोटिस किया कि जब भी आप कुछ येलो पहनते हैं उसके बाद पिकॉक का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा आता है। तो ये पिकॉक टील कलर है जिसको मैं मैम के आईज पे अप्लाई कर रही हूँ और ये आई शेडो क्रीमी फॉर्म में आती है और आपने इसे फिंगर से ही ब्लेंड करना है। और अगर आपको ये आई शेडो नहीं लगाना, इसके जगह आप तो हमारा ग्रीन कलर का लाइनर आता है वो भी यूज कर सकते हैं।
सी द शेप, हमने हल्का सा स्मोकी लुक दिया इसमें. अगर यही ब्लू पहनते तो क्या ये ब्लू जाता उस पर, डार्क कर देता. तो वहां पे हम कौन सा शेड यूज करते हैं, नंबर 5 ग्लैम, जो कि हल्का सा पिंक स्पार्कल के साथ है. तो मैं ब्लैक लाइनर नहीं लगा रही हूँ, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आई एम गोना यूज जिप्सी टील लाइनर. कौन सी वाला है? आउटलाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे लैश लाइन पर यूज कर रही हूँ लाइनर. अगर इस पे अगर आपने ब्लैक दिया वो पूरा मेकअप डल हो जाएगा. जब भी आप बेस लगाते हो हमेशा थोड़ा सा टैपिंग करते रहो बीच बीच में, ताकि आपका बेस जो अच्छे से सेट हो जाए ब्लेंडर के साथ. नाउ ब्लशर. सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे ब्लशर. कॉन्टोरिंग हम कर चुके हैं तो एक्स्ट्रा कॉन्टोरिंग नहीं रख रही. और ब्लशर में मैं ऐड कर रही हूँ, ये मैट ब्लशर है और ये मेटालिक ब्लशर है. तो दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैट जो होता है प्रोफेशनल मेकअप्स में जब डे मेकअप करते हो तब आप यूज करते हो. तो जब भी आप ब्लशर यूज करें कॉन्टोर के जस्ट आप ऊपर टैप करते हो.
ओके देन हाइलाइटर, सो ये हमारा हाइलाइटर, आई एरिया के बहुत ज़्यादा पास रहेंगे क्योंकि पपी आईज है, तो आपने सिर्फ पीछे की तरफ स्लाइटली हाइलाइटर ऐड करना है। दिस कलर मैं रिच बेरी यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं मरून नहीं दूंगी इसमें, वाइन एंड पिंक का कॉम्बिनेशन। वेयर करते हैं कुछ भी, आपको ये भी देखना जरूरी है कि आपने क्या कैरी किया, उस हिसाब से आपका लुक भी जाना चाहिए। तो मैम ने जो वेयर किया है ग्लिटरी ज़रूर है बट ये इंडो वेस्टर्न होते हैं और इंडो वेस्टर्न के साथ आप ट्रेडिशनल गोल्ड नहीं दे सकते, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं, कलर्स, योर लुक, मेकअप में आप क्या ग्लिटर्स यूज़ कर रहे हैं। आप इस साइड कर दूँगा